हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 14 देख रहे हैं। ओके, इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द राइट ऑप्शन। देखो, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज डॉट डॉट। तो 120 150 का हमें एचसीएफ निकालना है, ऑप्शन चूज करना है। पर देखो, ये एचसीएफ कंसेप्ट जो है वो हम दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करने के बाद ही बता सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ओरली नहीं बता सकते। ओके, इसलिए हम इनके एचसीएफ क्या आता है वो निकालेंगे, बाद में करेक्ट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन जो है वो बताएंगे। ओके, तो देखो, हम दिए गए नंबर्स को ऐसे राइट करेंगे, इनको हमें प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। तो प्राइम फैक्टर क्या होते है? पता है ना आपको, लास्ट टाइम मैंने हर एक एग्जाम्पल के बाद एचसीएफ निकालते टाइम लिखा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी प्राइम नंबर है। ओके, तो इन सभी प्राइम नंबर से वन बाय वन हम देखेंगे, एक एक से चेक करते जाएंगे डिवाइड होता है क्या, अगर होता है तो उसको डिवाइड करेंगे। ओके, अभी 120 यूनिट प्लेस जीरो है, मैंने बताया है कि यूनिट प्लेस जीरो वाले जो नंबर रहते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं। आप इस नंबर को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर ही है। ओके, तो ये 12 है, 2 6 12 आता है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, 2 6 12। और यहाँ पे ये 0 है, उसको हमने एज इट इज लिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे 60 है, अभी इसको भी आप 5 से और 2 से दोनों से डिवाइड कर सकते हो। मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। ओके, 2 3 6 आता है ना, ये 6 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, यहाँ पे 3 लिखेंगे हम, ये ऊपर से 0 आ गया। ओके, अभी ये 30 है, यूनिट प्लेस 0 है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया। ओके, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 10 15 आ गया। अभी यूनिट प्लेस 5 वाले नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 15। अभी 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 3 ये प्राइम नंबर है। ओके, अभी 3 1 3, तो ये सभी आ गए 120 के फैक्टर, उनको मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। 120 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद में हम लिखेंगे 150 के प्राइम फैक्टर। अभी यूनिट पे 0 है, इसको भी मैं 2 से 5 से दोनों से डिवाइड कर सकती हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। 2 7 14 आता है ना, 15 है यहाँ पे, इसलिए मैं पहले इनको डिवाइड करूँगी ना, 15 को, 2 7 14 आता है, 7 राइट कर लिया, 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 10। ओके, अभी नोट प्लस 5 है, इसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा। ओके, 5 7 यहाँ पे, तो एक ही नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 5 लेना होगा। ओके, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 2 रह गए, 2 एंड 5 25, करेक्ट, 5 5 25, यूनिट प्लस 5 है, 5 से डिवाइड करना होगा, 5 3 15। अभी 3 है, 3 ये प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 3। तो ये सभी आ गए 150 के प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ये सभी आ गए। अभी हमें एचसीएफ निकालना है, हम क्या कर लेते हैं, दोनों में कॉमन कौन से हैं उनको 1 1 टाइम राइट कर लेते हैं। देखो, दोनों में 3 कॉमन है, 3 लिखेंगे, दोनों में 5 कॉमन है, 5 लिखेंगे, उसके बाद 2 भी कॉमन है, 2 को हम लिखेंगे, उसके बाद 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये इसके बाद 2, ये सभी क्या है, कॉमन है, तो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एचसीएफ, 3 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन की 15 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 15 2 30, मीन्स एचसीएफ कितना आ गया, 30। ओके, तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। तो दिए गए पेयर ऑफ नंबर में कौन सी पेयर का एचसीएफ 1 नहीं है, वो पेयर हमें ढूंढनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका मतलब किसी एक पेयर का एचसीएफ 1 है, अदर पेयर का एचसीएफ 1 नहीं है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, नंबर देखकर थोड़ा सा हम क्लू लगा सकते हैं। ओके, क्लू लगाने के लिए देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया उसमें 13 एंड 17 ये दोनों नंबर दिए गए हैं, 13 ये भी प्राइम नंबर है, 17 ये भी प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से ही डिवाइड करना होगा, 13 को 13 से ही डिवाइड करना होगा, इसको 13 से डिवाइड किया, इसको 17 से डिवाइड किया,
कॉमन कुछ मिलता है क्या? नहीं, कॉमन कुछ नहीं मीन्स कोई एचसीएफ क्या रहता है? वन रहता है, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, यह 29 ये प्राइम नंबर है, 29 को 29 से ही डिवाइड करना होगा। इसको 29 से डिवाइड किया, देखो 29 जो है उसको हमने 29 से डिवाइड किया, क्या आता है 29, यही फैक्टर आता है प्राइम फैक्टर। और 20 के बहुत सारे फैक्टर आएंगे, 29 का 29 यही एक आता है, 20 के बहुत सारे आएंगे, तो कॉमन मिलेगा क्या दोनों में कुछ? ये 20 है, इसके फैक्टर उससे छोटे वाले ही आएंगे, इससे बड़े वाले नहीं आएंगे, तो इससे छोटे वाले फैक्टर, ये 29 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिलेंगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो क्या रहेगा? 1 यही कॉमन फैक्टर रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन में भी देखो, यहाँ पे 14 एंड 15 ये दोनों नंबर दिए हैं, ये दोनों लगातार आने वाले नंबर जो रहते हैं वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं उनको, और उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 ही रहता है। आया समझ में? हमने देखा है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, लगातार आने वाले जो नंबर रहते हैं 14, 15, जैसे 15, 16, 17, 18, ऐसे लगातार आने वाले नंबर जो रहते हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, और उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 ही आता है। तो इसका एचसीएफ 1, इसका एचसीएफ 1, इसका भी एचसीएफ 1, तो रहे सिर्फ 40 एंड 20, इनका एचसीएफ 1 नहीं आता। तो ये हम कैसे एचसीएफ 1 नहीं आता, ये हम इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो देखो 40 है, यूनिट प्लेस 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 2 4, उसके बाद में 0 है, उसको एज इट इज राइट कर लिया, उसके बाद इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यूनिट प्लेस 0 है इसीलिए 2 1 2, ये 0 राइट कर लिया, करेक्ट। यूनिट प्लेस 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5। तो ये सभी आ गए 40 के फैक्टर। अभी 20 के निकाल लेते हैं, यूनिट प्लेस 0 है, 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, 2 1 2, ये 0, 10 रह गए, 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, 2 5 10, करेक्ट। 5 है, 5 से डिवाइड करना होगा, 5 1 5। तो ये सभी आ गए 20 के फैक्टर। अभी देखो 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन की हमने, एचसीएफ हमें क्या मिलेगा? 1 से ज़्यादा ही मिलेगा, इसीलिए कौन सी ऐसी पेयर है वो उसमें एचसीएफ 1 नहीं आता है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि थर्ड पेयर में हमने देखा है एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ इक्वल टू 2 × 2 × 5, 2 2 4 और मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 20, कितना एचसीएफ आता है? 20 आता है, मीन्स 1 नहीं आता। ऐसी पेयर कौन सी है? ऑप्शन 3 विल बी एन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। इन नंबर्स के हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, दोनों के लिए हमारी फर्स्ट स्टेप उनको प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना यही है। तो इन दिए गए नंबर्स को हम पहले प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, प्राइम नंबर कौन से है आपको पता है ना, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। तो उन सब से हम इनको डिवाइड होता है या नहीं 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे, जिनसे होता है डिवाइड उनसे करेंगे। और यूनिट प्लेस 4 वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो देखो इस 14 को 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 14 लेते हैं हम यहाँ पे। अभी 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से ही डिवाइड करना होगा, 7 1 7। तो ये सभी आ गए 14 के प्राइम फैक्टर। अभी 28 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लेस 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। अभी 14 आ गया, 14 यूनिट प्लेस 4 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 आता है, तो यहाँ पे 7 ऐड कर लिया। अभी 7 है, 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 1 7। तो ये सभी आ गए 28 के प्राइम फैक्टर। अभी इनका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ओके, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर जो है उनको राइट कर लेते हैं, करेक्ट। देखो 2 × 7, उसके बाद में 28 के 2 × 2 × 7, यहाँ पे भी हम राइट करके लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें चाहिए होंगे। ओके, अभी देखो 2 × 7 2 × 2 × 7, इनका हमें एचसीएफ निकालना है,
तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों में कॉमन कौन से है उनको वन वन टाइम राइट कर लेते हैं। सेवन है और टू है, करेक्ट। दोनों में सेवन है तो वो कॉमन हो गया, दोनों में टू है तो वो भी कॉमन हो गया, उसको वन वन टाइम राइट कर लिया। तो टू सेवन जर आता है फोर्टीन, तो एच सी एफ कितना आ गया, फोर्टीन। एच सी एफ ऑफ फोर्टीन एंड ट्वेंटी एट इज फोर्टीन, करेक्ट। अभी एल सी एम निकालना है, एल सी एम। एल सी एम निकालते टाइम हम क्या करते हैं, देखो दोनों में कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर है, टू है और सेवन है, करेक्ट, करेक्ट है। अभी देखो सेवन दोनों में वन वन टाइम ही है, उसको वन टाइम ऑलरेडी राइट कर लिया है, इसकी बात खत्म हो गई। अभी दोनों में टू भी है, पर टू इसमें एक टाइम ही है, इसमें ज़्यादा टाइम टू है, तो उन सभी टाइम्स टू को हम इसमें लेंगे। मीन्स एक टाइम तो हो गया है, दूसरा टाइम ले लिया, तो टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय सेवन, ये क्या आ गया, इन दोनों का एल सी एम आ गया, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय सेवन। तो देखो टू टू जार फोर प्लस सेवन, फोर सेवन जार ट्वेंटी एट, तो ट्वेंटी एट ये क्या आ गया, एल सी एम ऑफ दिस गिवन नंबर। सेकेंड हमें 32 एंड 16 इन दोनों के एच सी एफ एंड एल सी एम निकालने हैं। तो इन दोनों नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, मीन्स इन दोनों नंबर को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, वन बाय वन उनसे डिवाइड करते जाएंगे। 32 को 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, 2 वन जा 2, 3 में से 2 सबस्ट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए, 2 सिक्स जार 12, 16 आ गया। अभी 16 को 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 16 की यूनिट प्लेस 6 है, ओके। 2 8 जार 16, तो 8 आ गया, 8 इसकी यूनिट प्लेस 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, यूनिट प्लेस 4 वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 2 जार 4, 2 ये प्राइम नंबर है, 2 को 2 से डिवाइड करना होगा, 2 1 जार 2। तो ये सभी आ गए 32 के प्राइम फैक्टर, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अभी 16 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लेस 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जार 16, 8 आ गया, 8 को भी 2 से डिवाइड होता है क्योंकि 8 ये यूनिट प्लेस ही है, 2 4 जार 8, 4 यूनिट प्लेस है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 ये प्राइम नंबर है, 2 को 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जार 2 आ गया। तो ये सभी आ गए 16 के प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2 5 टाइम 2। तो एच सी एफ अगर हमें निकालना है, पहले हम एच सी एफ निकाल लेते हैं, ओके, और उसके बाद में हम एल सी एम निकालेंगे। एच सी एफ अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों में जितने भी कॉमन है उनको वन वन टाइम राइट कर लेते हैं। देखो 2 कॉमन है, सेकेंड टाइम 2 कॉमन है, थर्ड टाइम 2 कॉमन है, फोर्थ टाइम 2 कॉमन है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा एच सी एफ ऑफ 32 एंड 16। 2 2 जार 4, यहाँ पे भी 2 2 जार 4, 4 4 जार 4 4 जार 16, तो 16 ये क्या आ गया, एच सी एफ ऑफ दिस गिवन नंबर। अभी हमें एल सी एम निकालना है, उसके लिए भी हम दोनों के प्राइम फैक्टर यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2। अभी देखो इन दोनों में जितने भी डिफरेंट टाइप के फैक्टर है वो सभी हम राइट कर लेते हैं एलसीएम निकालते टाइम, करेक्ट। सिर्फ एक ही टाइप का फैक्टर है, 2 यही फैक्टर है दोनों में भी, और किस में 2 ज़्यादा टाइम है, इसमें 2 ज़्यादा टाइम है, कितने टाइम है, 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स 2 जो है उसकी मल्टीप्लीकेशन अगर हम लेते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एल सी एम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, और ये 2 एज इट इज़। अभी 4 4 जार 16, 16 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 2 जार 32, 32 ये क्या आ गया, एल सी एम ऑफ दिस गिवन नंबर। हमें इन तीनों का एच सी एफ एंड एल सी एम दोनों निकालने हैं, 70 है, 102 है, 170 भी है। तो देखो 17 ये प्राइम नंबर है हमें पता है, तो 17 को हमें 17 से ही डिवाइड करना होगा,
सेवेंटीन वन जार सेवेंटीन, तो सेवेंटी के प्राइम फैक्टर कौन से आ गए, सेवेंटीन मल्टीप्लाई बाय वन, करेक्ट। अभी देखो 102 यूनिट प्लस 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जार 10 आता है, 2 1 जार 2 51 आ गया। अभी 1 यूनिट प्लस है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड होता है नहीं हम चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 1 6, डिजिट की एडिशन 6 आ रही है, 3 की मल्टीपल है तो ये 51 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 एंड 1 21, 3 7 जार 21, तो यहाँ पे 17 आ गए। और 17 ये प्राइम नंबर है मैंने बोला है, तो 17 को 17 से डिवाइड करना होगा, 17 1 जार 17, तो ये सभी आ गए 102 के प्राइम फैक्टर। अभी 170 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट प्लेस 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जार 16, 17 में से 16 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 जार 10, 85 आ गया। अभी यूनिट प्लेस 5 है, ये 5 से ही डिवाइड होगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5, 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड 5 35, 5 7 जार 35, तो अभी 17 आ गया। और 17 ये प्राइम नंबर है मैंने बोला आपको, तो 17 को 17 से डिवाइड करना होगा, 17 1 जार 17। अभी हम 102 के और 170 के प्राइम फैक्टर राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, सभी के प्राइम फैक्टर राइट कर लिए। अभी देखो तीनों में कौन सा कॉमन है, वो रहता है हमारा HCF, करेक्ट। अभी हमें HCF अगर निकालना है तो तीनों में कॉमन कौन सा है उसको सर्कल कर लो। देखो 17 17 17 कॉमन है, उसके बाद 2 इसमें इन दोनों में है, इसमें 2 नहीं, मीन्स 2 कॉमन नहीं है तीनों में भी, तो वो अदर नंबर 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 17 यही नंबर तीनों में भी कॉमन है, तो उसको वन टाइम लिखेंगे वही आ जाएगा हमारा HCF ऑफ दिस गिवन नंबर। अभी हम LCM निकाल लेते हैं, LCM इसके लिए भी हम सभी के प्राइम फैक्टर राइट करेंगे। 170 17 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको लिया, यहाँ पे 1 क्यों लिखा, सभी का कॉमन मल्टीपल 1 रहता ही है, इसलिए इस 1 को लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ओके। उसके बाद में देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अभी LCM निकालना है, हम क्या करते हैं, दिए गए प्राइम फैक्टर में कितने डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर है उनको राइट कर लेते हैं। देखो इसमें 17 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 लिया नहीं लिया फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो उसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, 17 है उसको लिखा, 5 है उसको लिखा, 3 को भी लिखा, 2 को भी लिखा, ओके। अभी देखो 17 तीनों में 1-1 टाइम ही है, 1 टाइम राइट कर लिया उसकी बात ख़त्म हो गई, 2 दोनों में ही है 1-1 टाइम ही है उसको लिखा उसकी बात ख़त्म हो गई, 5 1 टाइम ही है, 3 भी 1 टाइम ही है उसकी बात ख़त्म, इनकी सभी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारा LCM। LCM इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी देखो 3 2 जार 6, 15 7 जार 85, 3 2 जार 6, 85 मल्टीप्लाई बाय 6 किया हमने, इनकी मल्टीप्लिकेशन 6 5 जार 30, 30 का जीरो यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 6 8 जार 48, 48 प्लस 3 51 हो गए, 510 आ गया LCM। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अभी देखो एग्जांपल नंबर 4 है, 23 एंड 16 ये दोनों नंबर दिए गए हैं, इस पेयर ऑफ नंबर की हमें HCF एंड LCM दोनों निकालने हैं, यहाँ पे 69 है, ओके। अभी देखो 23 ये 2 से नहीं डिवाइड होता, 3 से भी नहीं डिवाइड होता, तो देखो 23 ये प्राइम नंबर है तो इसको इसी से डिवाइड करना होगा, 23 को हम 23 से डिवाइड कर लेते हैं, 23 वन जार 23, तो 23 के फैक्टर क्या आ गए, 23 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। अभी 69 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ये 23 के आ गए और ये 69 के आएंगे नीचे, 69 के प्राइम फैक्टर 9 यूनिट प्लेस है, 2 से 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड होता है ना चेक कर लेते हैं, डिजिट की एडिशन कर लेते हैं, 9 प्लस 6 15 हो गए, 15 3 का मल्टीपल है,
तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टू जार 6, 3 थ्री जार 9, करेक्ट। अभी 23 है, 23 ये प्राइम नंबर है, 23 को 23 से डिवाइड करना होगा, 23 वन जार 23, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 23। तो एच सी एफ अगर हमें निकालना है तो दोनों में कॉमन कौन सा है उसको लेना होगा, तो दोनों में कॉमन 23 ही है, तो एच सी एफ कितना आ गया 23। अभी एल सी एम निकालना है, एल सी एम उसके लिए अभी हम दोनों के प्राइम फैक्टर राइट कर लेते हैं, 69 के प्राइम फैक्टर और 23 के, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 23। दोनों में कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर है उनको राइट कर लेते हैं, 1 को छोड़कर, 1 को लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ओके। 23 है दोनों में, उसके बाद 3 भी है और 1 भी है, देखो 1 पे भी ले लिया। अब देखो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी हमारा एल सी एम, तो यहाँ पे एल सी एम इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 वन जार 3, 3 को 23, 3 थ्री जार 9, 3 टू जार 6, 69 ये आ गया एल सी एम। अभी 21, 49 एंड 84 ये नंबर दिए गए हैं, इनका भी हमें एच सी एफ एंड एल सी एम दोनों निकालने हैं, ओके। अभी देखो 21 ये 2 से और 5 डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, कैसे देखो 2 प्लस 1 3 आ रहा है, डिजिट की सम जब 3 की मल्टीपल रहती है तब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, सम 3 के मल्टीपल में 3 आ रहे में 3 का मल्टीपल ही है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 जार 21, 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 1 जार 7, 21 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 49 के प्राइम फैक्टर और 84 के प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। यूनिट प्लेस 9 है, 2 से 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है नहीं चेक कर लेते हैं, देखो 9 प्लस 4 13 हो गए, 13 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, डिजिट की सम 3 के मल्टीपल नहीं आ रही है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 7, इसको 7 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर लो, 7 के टेबल में आता है कि ये, यस 7 7 जब 49 आता है तो ये इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 7 जार 49, ओके। अभी 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 1 जार 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ गए 49 के प्राइम फैक्टर। अभी 84 को 2 से डिवाइड होता है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, तो 42 आ गया। अभी यूनिट प्लस 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 21 है, 21 को 3 से डिवाइड होता है, 2 प्लस 1 3 हो रहे, डिजिट की सम 3 के मल्टीपल है तो इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जार 21। अभी ये 7 है, 7 प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जार 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ गए 84 के प्राइम फैक्टर। अगर अभी हमें एच सी एफ अगर निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, तीनों के जो कॉमन फैक्टर जो है उनको वन टाइम राइट कर लेते हैं। देखो तीनों में 7 कॉमन है, 7 को राइट कर लिया। अभी तीनों में दूसरा कोई कॉमन है क्या, 3 देखो इसमें है, इसमें है, इसमें 3 नहीं है, 7 इसमें है इन दोनों में और दूसरा 7 नहीं है, 2 इन दोनों में है, इन दोनों में 2 नहीं है, मीन्स 7 यही क्या है एच सी एफ ऑफ दिस गिवन नंबर। उसके बाद एल सी एम निकालना है, उसके लिए भी हम सभी के प्राइम फैक्टर राइट कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 यहाँ पे भी है देखो, 2 2 टाइम्स है, उसको यहाँ पे लिखा और यहाँ पे राइट कर लिया, जल्दबाजी में मैं एक 2 भूल गई थी उसको बाद में राइट कर लिया, मल्टीप्लीकेशन ही होगी सबकी, आगे पीछे फैक्टर प्राइम फैक्टर राइट कर लिए इसका मतलब आंसर गलत नहीं होता है, आया समझ में, ओके। फैक्टर लिखे ना सभी वो इम्पोर्टेंट है, आगे लिखो नहीं तो पीछे लिखो। अभी देखो अभी हमें एलसीएम निकालना है तो इन तीनों में कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर है वो हम राइट कर लेते हैं, करेक्ट। देखो इनमें 3 भी है, इनमें 7 भी है, इनमें 2 भी है, करेक्ट। अभी देखो 3 कितने टाइम है, 3 इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है, तो 3 को हम लेंगे, ओके। उसके 7 जो है, 7 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, तो किस में ज़्यादा टाइम, 2 7 है इसमें ज़्यादा टाइम है, 2 टाइम में से ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो उन दोनों 7 को हम यहाँ पे लेंगे,
ओके। उसके बाद देखो टू, 284 में यहाँ पे टू टाइम्स है, तो उन दोनों भी टू को हम लेंगे, करेक्ट। तो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर। अभी देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 जार 49, 2 2 जार 4। अभी देखो 3 4 जार 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 49 अगर हम करते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। 12 9 जार 108, 100 का 8 यहाँ पे कैरी 10 आ गए। 12 4 जार 48, 48 प्लस 10 58, तो 588 आ गए एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम हमें इन दिए गए पेयर का निकालना है, 36 एंड 42 ये पेयर में नंबर दिए गए हैं। तो देखो इनके, इनको हम प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर लेते हैं। 36 यूनिट प्लस 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 वन जार 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट, 1 रह गया 1 एंड 6, 16 हो गए, 2 8 जार 16। अभी 18 यूनिट प्लस 8 वाला नंबर है, 8 वाले 8 यूनिट प्लस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 9 जार 18। अभी 9 है, ये 2 से 5 से डिवाइड नहीं होगा, 9 ये 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9। 3 ये प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 वन जार 3। तो ये सभी आ गए 36 के प्राइम फैक्टर, हमें एलसीएम निकालना है। तो सभी के प्राइम फैक्टर राइट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी 42 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लस 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। फिर 21, ये 2 से 5 से डिवाइड नहीं होता, 2 प्लस 1 3, मीन्स डिजिट की सम अगर 3 की मल्टीपल है तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 7 जार 21। 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 1 जार 7। तो ये सभी आ गए 42 के प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी देखो इनमें सभी में कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर है, 2 है, 3 है और 7, ये सभी 3 टाइप के, 3 डिफरेंट टाइप के फैक्टर है, उनको राइट कर लिया। अभी हमें एलसीएम निकालते टाइम हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट टाइप, 2 ये फैक्टर है, किस में ज़्यादा टाइम है, देखो 36 में ज़्यादा टाइम है, उन सभी 2 को हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 3 36 में 2 टाइम है, उन दोनों टाइम 3 को हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम निकालते टाइम, करेक्ट। उसके बाद में 7 लेना है, 7 42 में ही है, 1 टाइम है तो उसको लेंगे। तो इन सभी के मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एलसीएम, ओके। 2 2 जार 4, 3 3 जार 9 और यहाँ पे 7 है। अभी 4 9 जार 36 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी देखो 7 6 जार 42, 42 का 2 यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 3 7 जार 21, 21 प्लस 4 25, तो यहाँ पे 25 मीन्स 252 ये आ गया एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर। अभी सेकेंड 15 25 एंड 13, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, 25 एंड 30, ओके। यूनिट प्लस 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जार 15, 3 प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3। तो 15 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 के यूनिट प्लस 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जार 25, 5 है 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जार 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5। एलसीएम 30 का निकालना है, यूनिट प्लस 0 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जार 30, 6 ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जार 6, 3 ये 3 से डिवाइड होता है, 3 प्राइम नंबर भी है, 3 1 जार 3। तो 30 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हमें एलसीएम निकालना है, तीनों में कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर है, देखो तीनों में 5 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें 2 भी है। 5 कितने टाइम है, 5 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, किसमें ज़्यादा टाइम है, तो उन सभी 5 को हम ले लेंगे। उसके बाद में 2 इसमें ही है, वो 1 टाइम है, उसको लिखेंगे। उसके बाद 3 इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम, उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो इन सभी के मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एलसीएम, 5 5 जार 25 और 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, 30 का 0 यहाँ पे कैरी
3 आ गया, 6 टू जार 12, 12 प्लस 3 15 हो गए, तो 150 आ गया इसका LCM। ओके एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें देखो 18, 42 एंड 48 ये तीनों नंबर दिए गए हैं, इनके भी हमें LCM निकालना है। तो देखो इनको हम प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, सभी टाइम हम यही करते हैं, HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, पहली स्टेप हमारी दिए गए नंबर्स को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना यही है। ओके यूनिट प्लस 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जार 18, 9 है ये 3 का मल्टीपल नंबर है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 जार 3। LCM निकालना है, 18 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 42 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लस 2 है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4 2 1 जार 2, 21 आ गया। डिजिट की सम 3 है, 3 की मल्टीपल है इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जार 21, 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 1 जार 7, तो 42 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 48 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लस 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4 2 4 जार 8, यूनिट प्लस 4 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, यूनिट प्लस 2 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जार 12, ओके 6 है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6, 3 प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 जार 3, तो ये सभी आ गए 48 के प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3, ओके 2 4 टाइम्स है, उसके बाद में 3 है। अभी हमें LCM निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के फैक्टर है उनको राइट कर लेते हैं करेक्ट। इसमें देखो 3 है, 7 है, 2 भी है, ये 3 डिफरेंट टाइप के फैक्टर है। ओके अभी देखो 7 यहाँ पे वन टाइम ही है, 7 की बात ख़त्म हो गई, अभी यहाँ पे 3 इसमें 2 टाइम है, इसमें 1 टाइम और इसमें 1 टाइम, किसमें ज़्यादा टाइम है, इसमें ज़्यादा टाइम है, 2 टाइम है, तो उन्हीं दोनों 2 को हम लेंगे, दोनों 3 को हम लेंगे। ओके उसके बाद में देखो 2 यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 4 टाइम है, उन्हीं सभी 4 टाइम को हम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा LCM, therefore LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके 3 लेना है, 2 2 टाइम 1 टाइम 7, 4 टाइम 2 लेना है, अभी 2 2 जार 4 2 2 जार 4 3 3 जार 9 और 7 है, अभी देखो 4 4 जार 16 9 7 जार 63, तो यहाँ पे 63 आ गए। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन 3 6 जार 18 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1 3 1 जार 3 3 प्लस 1 4, अभी 6 6 जार 36 36 और 6 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 1 6 जार 6 1 जार 6 6 प्लस 3 9 हो गए। ओके तो यहाँ पे 8 6 प्लस 4 4 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे 1008 ये आ गया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो LCM भी हमारा 1008 आ गया। एग्जांपल नंबर 4 है, देखो इसमें 4 12 एंड 20 ये तीनों नंबर दिए गए हैं, इनका हमें LCM निकालना है। ओके तो इनको हम पहले प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 जार 4 2 ये प्राइम नंबर है, 2 को 2 से डिवाइड करना होगा, 2 1 जार 2, तो ये आ गए 4 के प्राइम फैक्टर। अभी 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि प्लस 2 है, 2 6 जार 12 6 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6, 3 प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 जार 3, तो ये आ गए 12 के प्राइम फैक्टर।
अभी 20 के प्राइम फैक्टर निकाले थे, यूनिट प्ले जीरो है इसलिए टू से डिवाइड हो जाएगा। टू वन ज़ा टू, टू जीरो ज़ा जीरो, टेन है, जीरो यूनिट प्लेस है तो फाइव से डिवाइड हो जाएगा, फाइव टू ज़ार टेन। टू है, टू को टू से डिवाइड होगा, टू वन ज़ा टू। तो ये सभी आ गए 20 के प्राइम फैक्टर। तो फोर इक्वल टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू, ट्वेल्व इक्वल टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, एंड 20 इक्वल टू, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय टू। ओके, तो देखो अभी हमें इनका एलसीएम निकालना है, कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर है, टू है, फाइव है और थ्री है। ओके, अभी थ्री देखो, थ्री वन टाइम ही है, उसको लिखा, उसकी बात ख़त्म हो गई। टू देखो, टू यहाँ पे टू टाइम्स है, यहाँ पे भी टू टाइम्स है, यहाँ पे भी टू टाइम्स है, किसी एक टाइम टू को ले लो। ओके, टू टाइम टू को लिया, थ्री को लिया, अभी फाइव, फाइव एक ही जगह है, वो वन टाइम है, उसको भी लिखना है। तो इन सभी की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। ओके, टू टू ज़ार फोर, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, फोर मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन, फिफ्टीन फोर ज़ार सिक्सटी। तो एलसीएम आ गया 60। एग्जाम्पल नंबर फाइव है, देखो इसमें ये फोर नंबर्स दिए गए हैं, 24, 40, 80 एंड 120। इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट प्लेस फोर है, ये टू से डिवाइड हो जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ार फोर। अभी ट्वेल्व आ गया, ट्वेल्व की यूनिट प्लेस क्या है, टू, ये भी टू से डिवाइड हो जाएगा, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, सिक्स है, इसको टू से ही और थ्री से, टू से और थ्री से भी डिवाइड हो सकता है, आपको जिससे डिवाइड करना है उससे कर लो। चलो देखो थ्री से डिवाइड कर लेते हैं, थ्री टू ज़ार सिक्स, टू आ गया, टू को टू से डिवाइड करना होगा, टू वन ज़ार टू। तो ये सभी आ गए 24 के प्राइम फैक्टर। अभी 40 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट प्ले जीरो है इसलिए मैं इसको फाइव से डिवाइड कर लेती हूँ, आपने टू से डिवाइड किया फिर भी सभी फैक्टर सेम ही आने वाले हैं। ओके, अभी देखो फाइव एट ज़ार फोर्टी, ओके, अभी एट है, ये टू से डिवाइड होगा, ओके, टू फोर ज़ार एट, फोर है, ये टू से डिवाइड होगा, टू टू ज़ार फोर, टू है, टू से डिवाइड होगा, टू वन ज़ार टू। अभी एटी के यूनिट प्लेस जीरो है, फाइव से डिवाइड हो जाएगा, फाइव वन ज़ार फाइव, एट में से फाइव सब्सट्रैक्ट हो गए, थ्री रह गए, थ्री एंड ज़ीरो थर्टी, फाइव सिक्स ज़ार थर्टी। ओके, तो सिक्स आ गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस सिक्स है तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा, टू एट ज़ार सिक्सटीन, एट है, टू से डिवाइड हो जाएगा, टू फोर ज़ार एट, फोर है, टू से डिवाइड हो जाएगा, टू टू ज़ार फोर, टू है, टू से डिवाइड करना होगा, टू वन ज़ार टू। अभी 120 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट प्लेस जीरो है, मैं इसको फाइव से डिवाइड कर लेती हूँ, फाइव वन ज़ा फाइव टू ज़ार टेन, ओके, ट्वेल्व में से टेन सब्सट्रैक्ट हो गए, टू रह गए, टू एन ज़ीरो ट्वेंटी, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ओके, ट्वेंटी फोर आ गए। यूनिट प्लेस फोर है, टू से डिवाइड हो जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ार फोर। यूनिट प्लेस टू है, टू से डिवाइड होगा, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, सिक्स है, टू से डिवाइड हो जाएगा, टू थ्री ज़ार सिक्स, थ्री है, थ्री को थ्री से डिवाइड करना होगा, थ्री वन ज़ार थ्री। तो ये सभी आ गए 120 के प्राइम फैक्टर। अभी सभी के प्राइम फैक्टर हम राइट कर लेते हैं, 24 के, 40 के, 80 के एंड 120 के, सभी के प्राइम फैक्टर हम राइट कर लेते हैं। टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री टाइम्स टू है, उसके बाद में थ्री है। ओके, अभी देखो हमें एलसीएम निकालना है, हम क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के फैक्टर है उनको राइट कर लेते हैं। इसमें फाइव है, इसमें थ्री है और इसमें टू भी है। थ्री दोनों जगह है, वन वन टाइम ही है, उसको वन टाइम लिखा, उसकी बात ख़त्म हो गई। फाइव तीनों में है पर वन वन टाइम ही है, फाइव को लिखा, उसकी बात ख़त्म हो गई। अभी टू है, टू सभी में है
पर किसमें ज्यादा टाइम टू है, देखो 1 2 3 टाइम है यहाँ पे, 1 2 3 4 टाइम है, 1 2 3 1 2 3 टाइम है, तो यहाँ पे टू जो है 4 टाइम है, उन सभी टाइम टू को हम लेंगे तो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा LCM, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, 5 3 जार 15, 2 2 जार 4 2 2 जार 4, ओके 15 4 जार 60 आ गया, 4 इनकी मल्टीप्लिकेशन की, 4 0 जार 0 4 6 जार 24, तो 240 की आ गया LCM ऑफ दिस गिवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 15 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम्स। तो देखो इन सभी नंबर्स को ऐसे कौन से स्मॉल नंबर से हम डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर 5 एवरी टाइम मिलेगा। तो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा दिए गए नंबर्स का, ये मैंने डायरेक्टली बता दिया, आपको कैसे समझ में आ जाएगा अगर कोई भी एग्जांपल है उसमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बिगेस्ट कुछ भी वर्ड यूज़ किया है तो उसकी हेल्प से हम क्लू लगा सकते हैं कि हमें दिए गए नंबर का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट ये वर्ड यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हमने उन्होंने एलसीएम ही निकाला है दिए गए नंबर्स का, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट वर्ड हो तो एलसीएम निकाल के आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, देखो ऑन डिवाइडिंग अ सर्टन नंबर बाय 8 10 12 14 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 3 विच इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। दिए गए नंबर को कौन से ऐसे स्मॉल नंबर से डिवाइड होगा तब रिमाइंडर ऑलवेज 3 आएगा, इसमें स्मॉलेस्ट वर्ड ये वर्ड यूज़ किया है तो इससे हम क्लू लगा सकते हैं दिए गए नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम जो आएगा उसमें हम रिमाइंडर ऐड करेंगे तब हमें वो नंबर मिलेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना इसी टाइप का है, तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे दिए गए नंबर का, एलसीएम में रिमाइंडर जो बोला है वो ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बोला है तो उन्होंने 3 ही ऐड कर लिया है एलसीएम में, तब उनका जो नंबर चाहिए था वो नंबर आ गया। तो अभी हम भी वही करेंगे, दिए गए नंबर का एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम में जो रिमाइंडर बोला है 5 वो ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे भी देखो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर का वो डिविजिबल रहता है, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहता है, वही स्मॉलेस्ट नंबर रहता है। हमें क्या करना है, दिए गए नंबर्स का एलसीएम निकालना है, उसमें जो रिमाइंडर बोला है वो ऐड करके हमें नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालना है मीन्स डर जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है, एलसीएम निकालना बहुत ही ईजी है, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, ओके। सभी एग्जाम्पल में हमने एचसीएफ ने तो एलसीएम निकाला ही है, ओके। अभी देखो हमें पहले 8 का एलसीएम निकालना है, 8 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है, 9 10 15 एंड 20 सभी को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। अभी 8 यूनिट प्लेस 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, 4 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, ये सभी आ गए 8 के प्राइम फैक्टर। 9 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 9 ये 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 ये प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 जार 3। अभी 10 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 0 यूनिट प्लेस है इसलिए 5 से और 2 से दोनों से डिवाइड होगा, इसको आप 5 से और 2 सी से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 जा 10, ओके 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करना होगा, 2 1 जा 2। उसके बाद में 15 है, यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जार 15, 3 है 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 जा 3। अभी 20 है, 20 को 0 यूनिट प्लेस है 5 से डिवाइड कर लेती हूँ, 5 4 जा 20, 4 है 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जार 4, 2 है 2 से डिवाइड करना होगा, 2 1 जा 2। तो ये सभी आ गए दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर, इनके हम इनको हम राइट कर लेते हैं, ओके। अभी देखो
एट के प्राइम फैक्टर टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, नाइन के थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, टेन के फाइव मल्टीप्लाई बाय टू, फिफ्टीन के फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री, ट्वेंटी के फाइव मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। अभी एलसीएम निकालना है। फाइव फाइव कितने टाइम है, यहाँ पे वन टाइम, यहाँ पे भी वन टाइम, यहाँ पे भी वन टाइम, तीनों जगह है, पर तीनों जगह वन वन टाइम ही है। तो वन टाइम फाइव को हम लेंगे, उसके बाद में थ्री है, थ्री यहाँ पे वन टाइम है, यहाँ पे टू टाइम्स है, तो इन टू टाइम्स थ्री को हम लेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे टू टाइम्स टू है, यहाँ पे वन टाइम टू है, यहाँ पे थ्री टाइम टू है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम है उन सभी टाइम टू को हम लेंगे। ओके, किसी भी एक फाइव को सर्कल कर लो। ओके, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एलसीएम। थ्री थ्री जार नाइन, टू टू जार फोर, ये टू लिया, ये फाइव लिया। ओके, फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव, फोर टू जार एट। अभी फोर्टी फाइव को हमें एट से मल्टीप्लाई करना है। एट फाइव जार फोर्टी, फोर्टी का जो यहाँ पे कैरी फोर आ गया। एट फोर जार थर्टी टू, थर्टी प्लस थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स हो गए। ओके, तो 360 ये आ गया एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर। एलसीएम आ गया 360, पर हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 360 प्लस, रिमाइंडर कितना रहता है ऑलवेज, फाइव टाइम्स रहता है, तो वो रिमाइंडर इसमें हम ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 365। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा आ गया, 365। नंबर फाइव है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट टर्म। इन फ्रैक्शन को हमें लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो देखो, इनको रिड्यूस करने के लिए इनका एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, या डिविजन मेथड से भी आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो। तो आपको क्या लगता है, कौन सी मेथड इजी रहेगी? डिवीजन मेथड इजी रहेगी, क्योंकि ये नंबर बड़े हैं और एक दूसरे के नज़दीक है, तो डिवीजन करने में हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा, वन ज़ा टाइम लेंगे, तो हमें आंसर इजीली दो स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलो हमको हम इनके एचसीएफ निकाल लेते हैं वन बाय वन डिवीजन मेथड से। ओके, तो देखो अभी फर्स्ट हम 348 बाय 319 के इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। दोनों में जो बड़ा रहता है उनको डिवाइडेंड, एंड जो छोटा रहता है उसको डिवाइजर लेना होता है। 348 डिवाइडेंड है और 319 इसको डिवाइजर ले लिया, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ओके, अभी देखो 319 वन जा ही लेंगे हम, टू जा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि टू जा लिया तो वो 600 समथिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 300 है, उसका डबल लिया मीन्स 600 समथिंग आएगा ना, इसलिए हमने वन जा ही लिया। 319 एट में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 3 रहेंगे, यहाँ पे 1 एंड 8 18 हो जाएंगे, 8 में से 9 सब्सट्रैक्ट 9 रह गए, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट 2 रह गए, अभी यहाँ पे 29 और यहाँ पे जो डिवाइजर है उसको हमें यहाँ पे डिवाइडेंड लेना होता है 319। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 319 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 290 आता है। 29 10 जार 290, करेक्ट ना, तो 290 से भी ये 319 बड़ा है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें 11 जा लेना होगा, यहाँ पे 319 आ जाएगा, करेक्ट। 319 में से 319 सब्सट्रैक्ट, आंसर जीरो आ गया। जिस स्टेप पे आपका आंसर जीरो आता है उस स्टेप पे डिवाइजर रहता है ना, वो डिवाइजर हमारा एचसीएफ रहता है, तो एचसीएफ इक्वल टू 29, करेक्ट। तो यहाँ पे 348 है, उससे भी बड़ा नंबर है, तो इससे इसको 348 से अगर डिवाइड करना है तो 12 है, तो 13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 29 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, अभी देखो 2 9 18 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 2 2 4 4 प्लस 1 5 आ गया। ओके, अभी 1 9 9 1 2 2 8 है,
फाइव प्लस नाइन फोर्टीन हो गए, फोर्टीन का फोर यहाँ पे कैरी वन, टू प्लस वन थ्री, 348 आ गया। तो 348 कब आता है, जब हम 12 लेते हैं, तो फिर 12 आ गया 348, आंसर जीरो आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, 12 मींस इसका जो 348 को अगर हम 29 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 12। तो ये क्या आ गया, इसका रिड्यूस फॉर्म। अभी इसका रिड्यूस फॉर्म निकाल लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे 11 आ गया, इनके डिवीजन 12, इनके डिवीजन 11, तो ये आ गया इन दिए गए नंबर का रिड्यूस फॉर्म। देयरफॉर लोवेस्ट टर्म ऑफ द 348/319=12/11। ओके, अभी इन दिए गए नंबर को भी हमें लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, दिए गए फ्रैक्शन को भी हमें लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका एचसीएफ निकालना होगा। मैंने पहले भी आपको बोला कि आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। डिवीजन मेथड से निकालना कब इजी जाता है, ये दिए गए नंबर बड़े रहते हैं और ये नियर अबाउट रहते हैं। ये 221 है, 247 है, 200 के ही बीच में है ना, तो इनका एचसीएफ निकालना डिवीजन मेथड से इजी रहेगा। तो जो बड़ा नंबर रहता है उसको यहाँ पे लिखना होता है और जो छोटा है उसको यहाँ पे लेना होता है, ले लिया। अभी यहाँ पे 221 वन जा ही लेंगे हम 221, क्योंकि 221 टू जा किया तो 442 आएगा। ओके, तो 242 से 442 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने वन जा ही लिया। अभी डिवीजन कर सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट 6 रह गए, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट 2, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट 0। ओके, अभी 26 आ गया, 26 यहाँ पे डिवाइजर रहेगा, डिवाइडन 221, ऊपर का जो डिवाइजर है यहाँ पे हमें डिवाइडन लेना होता है। अभी देखो, 26 10 से अगर लिया तो 260 आएगा, 260 से छोटा है, तो हम 26 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। करेक्ट, 9 6 54 का 4 यहाँ पे कैरी 5 आ गया, 9 2 18 प्लस 5 23 आ गए। ओके, 24 से भी ये छोटा है, तो 26 8 जार देख लेते हम, 8 6 48 का 8 यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 8 2 16 प्लस 4 20, तो यहाँ पे 208 आ गया। इसका मतलब हमें 8 जा ही लेना होगा, क्योंकि 9 जा लिए बड़ा आता है, तो यहाँ पे हम 8 जा लेंगे और 208 आता है ना, तो यहाँ पे 208 लेंगे। 1 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 11 में से 8 सब्सट्रैक्ट 3 रह गए, 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट 1 रहेगा, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट 0, 13 आ गए। अभी ये 13 यहाँ पर डिवाइजर है और डिवाइडर 26, 13 2 26 आता है, तो यहाँ पे हम 2 जा लेंगे, यहाँ पे 26, यहाँ पे 0। एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ इक्वल टू 13। जिस टाइप में रिमाइंडर 0 है उस टाइप में जो डिवाइजर रहता है वही हमारा एचसीएफ रहता है, तो एचसीएफ आ गया 13। अभी हमें इनको इनके रिड्यूस फॉर्म निकालने हैं, फ्रैक्शन का रिड्यूस फॉर्म निकालना है। तो 221 247 रिड्यूस, इसको 221 डिवाइडेड बाय 13, इसको भी 247 डिवाइडेड बाय 13। ओके, अभी देखो, इसको 221 को हमें 13 से डिवाइड करना है, 221 को 13 से डिवाइड करना है, 13 10 130 आता है। करेक्ट, ये उससे भी बड़ा है, तो हम डायरेक्ट 13 20 जा अगर हमने किया, 13 2 26 और ये 0 260 आएगा, उससे छोटा चाहिए थोड़ा सा, तो हम 13 17 3 51 का 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी 221 आ सकता है। हम करके ही देख लेते हैं, 17 3 51 का 1 यहाँ पे क्या आए, 17 1 17 प्लस 5 2 आ गए। ओके, तो 222 मीन्स रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया हमारा, 13 है 221 है तो 17 आ गया।
इनकी डिवीजन की तो आंसर कितना आ गया 17। ओके अभी इनकी करनी है, यहाँ पे भी देखो 247 को 13 से डिवाइड करना है, ये क्या है इससे बड़ा है। 18 से मल्टीप्लाई किया तब हमें कितना आंसर मिल गया था, 18 से मल्टीप्लाई किया तब हमें 234 ही आंसर आ गया था, और ये 247 इससे भी 334 से भी बड़ा है, तो हमें इसको 19 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 3 27 का 7 यहाँ पे क्यारे 2 आ गया। ओके अभी 9 देखो 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसका मतलब इसका आंसर आ सकता है। 9 3 27 का 7 यहाँ पे क्यारे 2 आ गया, 9 1 9, 9 प्लस 2 11 हो गए। ओके अभी देखो 1 3 3, 1 1 1, 7 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 247 आ गया। इसका मतलब हमें 13 है, 247 कब आता है जब हम 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 19, तो 17 बाय 19 यह क्या आ गया दिए गए नंबर का रिड्यूस फॉर्म। देयरफॉर लोवेस्ट टर्म्स ऑफ 221 बाय 247 इज 17 बाय 19। ओके अभी यहाँ पे देखो 437 है, वन जा ही लेना होगा क्योंकि 437 टू जा अगर क्यों किया हमने तो वो 800 समथिंग आ जाएगा, करेक्ट ना, इसलिए 551 माइनस 437 वन जा ही लिया, 437 आ गए। यहाँ पे वन में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कैरी लिया, कैरी लेने के बाद इवल 11 हो गए, 11 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए 4 रह गए, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट 1, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट 1 रह गया। अभी यहाँ पे डिवाइडेंड जो है ये हमें ऊपर का स्टेप का डिवाइजर लेना होता है, 437 लिया और 437 3 जार 342 आता है, 4 जा किया तो वो आता है 456 आता है, इसलिए ये बड़ा आ रहा है, इसलिए हमने 11 3 जा 342 ही लिया। यहाँ पे सब्सट्रक्शन की आंसर 95 आ गया। अभी यहाँ पे डिवाइडेंड हमें लेना है, करेक्ट ना, अभी देखो 95 2 जार किया तो वो 100 समथिंग आ जाएगा, तो करके ही देख लेते हैं, 95 2 जार 2 5 जार 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 2 9 जार 18, 18 प्लस 1 19, तो कितना आ रहा है 190 आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 114 से बड़ा है ना बहुत, इसीलिए हम यहाँ पे 95 ही लेंगे, करेक्ट। अभी देखो सब्सट्रैक्शन, 4 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे 14 हो गए, 14 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए 9 रह गए, 1 में से 0 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, कैरी देने के बाद यहाँ पे 0 रह गए ना, अभी यहाँ पे फिर से हम कैरी लेंगे 10 हो गए, 10 में से 9 सब्सट्रैक्ट 1 रहेगा, 19 आ गए यहाँ पे, यहाँ पे 19 और यहाँ पे डिवाइडेंड हमें 95 लेना है। ओके 95 आ गया, अभी 19 फाइजर 95 आता है ना, करेक्ट, तो यहाँ पे फाइजर लिया, यहाँ पे 95, यहाँ पे 0, मीन्स हमारा HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 19। अभी 437 और 551 इसको हमें लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो इनको इनके HCF से डिवाइड करना होगा, करेक्ट, 551 इनके HCF से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। तो देखो 437 को 19 से डिवाइड कर लेते हैं, इनमें कितना डिफरेंस है, 19 फाइव जार 95 आता है, 19 10 जार 190 आता है, करेक्ट, और ये क्या है 437 है, 19 20 जा अगर हम कर लेते हैं, 19 2 जार 38 और यहाँ पे 80 आ गया, मीन्स इस 19 को हमें और ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तब हमें ये 437 मिलेगा, ये 380 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये बड़ा नंबर चाहिए, 400 समथिंग चाहिए, तो हम देखो इसको 22 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, बाद में डिसाइड करेंगे और कितने ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको तो देखो हम इसको 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, करेक्ट, 23 19 जार, तो देखो 3 9 जार 27, 27 का 7 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 3 1 जार 3, 3 प्लस 2 5 हो गए 57, और यहाँ पे
देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, मीन्स ये आंसर आ सकता है हमारा करेक्ट। अभी देखो 2 9 18 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 2 1 2 2 प्लस 1 3 आ गया, यहाँ पे 7 5 प्लस 8 13 हो गए, 13 का 3 यहाँ पे कैरी 1 437। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, डिवीजन के बाद आंसर कितना आता है 23 करेक्ट। अभी देखो इसको भी 551 ये इससे भी बड़ा है, तो इस 23 से मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, हमें इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 19 को सपोज हम 29 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 9 9 81 81 का 1 यहाँ पे कैरी 8 आ गया, 9 1 9 9 प्लस 8 17, यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे प्लस साइन। अभी देखो 2 9 18 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1, 2 1 2 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 1 7 प्लस 8 15 हो गया, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5, तो 551 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे हमें कौन सा लेना होगा, 29 लेना होगा। मीन्स 551 को अगर हम 19 से डिवाइड कर लेते तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा, 29। तो ये 29 आ गया और ये 23/29 ये क्या मिल गया, लोवेस्ट टर्म मिल गई इस 437/551 की। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 216 व्हाट इज द अदर नंबर। देखो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया है 432 एंड 72, और दोनों में एक नंबर भी दिया गया है 216, और हमें सेकंड वाला नंबर निकालना है। तो यहाँ पे HCF एंड LCM का रिलेशन गिवन नंबर के साथ कैसा रहता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तब आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। तो क्या रिलेशन है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल रहता है, HCF इंटू LCM के इक्वल रहता है। अभी हमें HCF पता है, LCM पता है, दो नंबर में से एक नंबर भी पता है, तो हमें यह अगर नंबर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट मीन्स दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेक्ट। अभी देखो दो में से एक नंबर दिया गया है 216, दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अदर नंबर। यहाँ पे अदर नंबर क्यों लिखा, क्योंकि एक नंबर हमें पता है, अदर नंबर हमें निकालना है, इक्वल टू HCF, HCF है 72 और LCM है 432। ओके अभी देखो ये अदर नंबर निकालना है तो 216 को इस साइड में शिफ्ट करना होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर द अदर नंबर इक्वल टू 72 × 432 / 216। अभी देखो इनको डिवाइड करना है पर हमें बहुत ज़्यादा स्टेप लगेंगे, इससे बेटर ये रहेगा कि हम दिए गए नंबर्स के फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालने के बाद वो कैंसिल कैसे होगे मैं आपको बता दे जाऊँगी वन बाय वन, बहुत ही इजी जाएगा हमें कैलकुलेशन करना। ओके अभी 72 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो देखो 2 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 3 6, 7 में 6 हो गया 1 रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए, 2 6 12 36 आ गया, 36 यूनिट प्लस 6 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए 1 रह गए, 1 एंड 6 16 हो गए, 2 8 16। अभी 8 यूनिट प्लस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 9 18, 9 ये 3 का मल्टीपल है 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 3 9। अभी 3 प्राइम नंबर है 3 को 3 से डिवाइड करना, 3 1 3। अभी उसके बाद में 432 है, यूनिट प्लस 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए 1 रह गया 12 हो गए, 2 6 12, 6 यूनिट प्लस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, अभी 16 है डायरेक्टली तो 0 लेकर 2 8 16 हम करेंगे, 8 यूनिट प्लस वाले भी 2 से डिवाइड होते हैं, 2 5 10, 2 4 8, 4 यूनिट प्लस वाले 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए 1 रह गया, 1 14 हो गए, 2 7 14। ओके अभी यहाँ पे 27 ही नंबर है, ये 2 से और 5 से डिवाइड नहीं होता,
डिजिट की सम करके देख लेते हैं, 7 + 2 9 हो गए, तो 9 ये 3 का मल्टीपल है इसलिए 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 9 = 27। अभी 9 है, ये 9 है 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड करना होगा, 3 3 = 9। अभी 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 = 3। तो ये सभी आ गए 432 के फैक्टर। अभी 216 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 8 + 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2। 0 लेंगे, 2 8 = 16। 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 = 10, 2 4 = 8। 4 यूनिट प्लेस है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4। 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रहेगा, 1 and 4 = 14, 2 7 = 14। अभी 27 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनके डिजिट की सम 9 आ रही है और 9 ने 3 का मल्टीपल है इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 = 27, 9 आ गया, 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9। अभी 3 है, 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 = 3। तो ये सभी आ गए 26 के फैक्टर। अभी देखो यहाँ पे बिना राइट किए भी हम यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर कट कर सकते हैं। कैसे देखो, 216 ये डिनोमेटर में है, इसके न्यूमरेटर में 432 है, तो 432 के और 216 के जो जो कॉमन फैक्टर है वो कट हो सकते हैं, करेक्ट ना। तो देखो, 3 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, उसके बाद 2 2 2, 3 2 कॉमन है, 2 2 2, ये सभी कट हो जाएंगे। अदर क्या रहेंगे, ये न्यूमरेटर का है, करेक्ट, 432 ये न्यूमरेटर का है, इसकी और इस 2 की और ये 72 के जो अदर फैक्टर है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है, 72 आती है, हमें पता है। तो डायरेक्ट हम 72 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंगे, वो आ जाएगा हमारा अदर नंबर, करेक्ट है ना। मैं इसको राइट कर लेती हूँ, इनको इस 2 कौन सी नंबर का है, 432 का है, तो इस 432 की जगह मुझे 2 ही राइट करना है। और 72 की जगह मैंने अगर ये फैक्टर राइट कर लिए, मुझे ऐसा लगता था कि इसके साथ इसके भी कुछ फैक्टर कट हो जाएंगे, पर इसके साथ इसके सभी फैक्टर कट हो गए, यहाँ पे अदर कोई नहीं रहेगा फैक्टर, अदर फैक्टर रहा ही नहीं कट होने के लिए। देयरफॉर द अदर नंबर इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 रह गया है, ये कौन से फैक्टर का है, 432 का ही प्राइम फैक्टर है और 432 न्यूमरेटर में है इसलिए 72 के साथ उसको राइट कर लिया। और अगर मैं 72 की जगह उसके फैक्टर राइट कर लेती तो इन सब की फिर से मैं मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है और वो कितने आती है, 72 ही आती है, करेक्ट है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 72 मल्टीप्लाई बाय 2 लिया, 2 2 = 4, 2 7 = 14, तो 144 ये आ गया अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर HCF इज 3, व्हाट इज देयर LCM? तो आपको पता है 2 नंबर का प्रोडक्ट का और LCM HCF का रिलेशन कैसा रहता है। इसके पहले एग्जांपल में हमने देखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF into LCM। अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है, यहाँ पे कितना है 765 है और यहाँ पे HCF भी दिया हुआ है 3 और हमें LCM निकालना है। अभी LCM निकालना है तो इस 3 को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 765 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू LCM मिलेगा। अभी देखो 765 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 and 6 = 16 हो गए, 3 5 = 15, 16 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 and 15 हो गए, 3 5 = 15, तो यहाँ पे 255 आ गया, करेक्ट, 55 इक्वल टू LCM, तो हमारे LCM कितना मिल गया, 255, देयरफॉर LCM इक्वल टू 255। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रिंग इन 3 बंडल्स आर कट इन टू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ सो दैट नो स्ट्रिंग इज लेफ्ट ओवर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। हर एक पीस की पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमें दिए गए नंबर्स का HCF निकालना होगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था
दिए गए नंबर के अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट पीस में उसको डिवाइड करना है वगैरह वगैरह, तो ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट अगर ये वर्ड यूज़ किया है तो हमें दिए गए नंबर का एचसीएफ निकालना है, ये क्लू है। ओके, तो हम इन दिए गए नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। 392, 308 and 490। यूनिट प्लेस टू है, ये टू से डिवाइड हो जाएगा। टू वन ज़ा टू, थ्री में से टू सब्सट्रैक्ट हो गए, वन रहेगा वन, एंड नाइन नाइनटीन हो गए। टू नाइन ज़ार एटीन, नाइनटीन में से एटीन सब्सट्रैक्ट हो गए, वन रह गए वन, एंड टू ट्वेल्व हो गए। टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, यूनिट प्लेस सिक्स है, टू से डिवाइड हो जाएगा। टू नाइन ज़ार एटीन, नाइनटीन में से एटीन सब्सट्रैक्ट हो गए, वन रह गया वन, एंड सिक्स सिक्सटीन हो गए। टू एट ज़ार सिक्सटीन, नाइन्टी एट, इसको भी टू से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस एट है इसीलिए। टू पोजा एट, नाइन में से सब्सट्रैक्ट हो गए, वन रहेगा वन, एंड एट एटीन हो गए। टू नाइन ज़ार एटीन, 49 आ गया। अभी 49 देखो, 9 प्लस 4 13 हो रहे हैं। 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड होता है क्योंकि ये 7 का मल्टीपल नंबर है। 7 से मतलब 49 आता है ना, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 लिखा, 7 7 ज़ार 49। अभी 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 1 ज़ार 7। ये सभी आ गए 392 के प्राइम फैक्टर। ओके, अभी 308 के भी निकाल लेते हैं। यूनिट प्लेस 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 वन ज़ार 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया 1, एंड 0 10 हो गए। 2 फाइव ज़ार 10, 2 फोर ज़ार 8। यूनिट प्लेस 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सेवन ज़ार 14, 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया 1, एंड 4 14 हो गए। 2 सेवन ज़ार 14, 77 आ गया। अभी देखो, ये 2 से 3 से नहीं डिवाइड होता, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं डिवाइड होता, ये 77 है ना, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। 7 1 7 7 1 7, 11 आ गया। अभी ये भी 11 से डिवाइड होगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, 11 1 11। तो ये सभी आ गए 308 के प्राइम फैक्टर। अभी 490 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट प्लेस 0, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, 49 में से 45 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए, 4 1 0 40 हो गए। 5 8 ज़ा 40, 98 आ गया। अभी 98 यूनिट प्लेस 8 वाला नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया 1, एंड 8 18 हो गए। 2 9 ज़ार 18, 49। अभी 49 ये 7 का मल्टीपल नंबर है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49, 7 प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 1 ज़ार 7। तो इनका एच सी एफ अगर हमें निकालना है, देयरफॉर एच सी एफ इक्वल टू, तीनों में कॉमन ऐसा कौन सा नंबर है? देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ पे भी 7 है। 7 तीनों में कॉमन है, 11 सिर्फ यहाँ पे है, उसके बाद 2 तीनों में है। देखो, 2 2 और 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दो जगह 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे नेक्स्ट वाला 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, इन दोनों जगह नेक्स्ट 7 नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर हम कर लेते हैं तो हमें न्यू गिवन नंबर का एचसीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 7 ज़ार 14, तो 14 ये क्या आ गया एचसीएफ। मींस हमें इन जो स्ट्रिंग दी गई है ना, उन स्ट्रिंग के हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी लेनी होगी? 14 लेनी होगी। 14 अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ली तो इन तीनों की भी सेम लेंथ मिल जाएगी। तीनों बंडल की अगर पीस कर ली आपने 14 सेंटीमीटर के 14 मीटर के, तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम मिल जाएगी और कोई लेफ्ट पीस भी नहीं रहेगा। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 14 मीटर। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैव एन एलसीएम ऑफ 180। ऐसे कौन से दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उनका एलसीएम 180 आ रहा है? तो देखो, इवन इंफॉर्मेशन हम पहले राइट कर लेते हैं। द एलसीएम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 180।
एलसीएम 180 दिया है। उसके बाद देखो, दो कॉन्सिक्यूटिव अगर इवन नंबर रहते हैं उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या आता है, टू आता है। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर मीन्स व्हाट, देखो 4, 6 ये क्या है, इवन नंबर है। और कॉन्सिक्यूटिव क्यों बोला है, क्योंकि 4 के बाद ये 6 यही इवन नंबर आता है ना, तो ऐसे लगातार आने वाले इवन नंबर जो रहते हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बोलते हैं। उसके बाद 6, 8 इसको भी आप कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बोल सकते हो। उसके बाद 10, 12 ये भी इवन नंबर है और लगातार आने वाले हैं, तो ये सभी हो गए कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो ऐसे लगातार आने वाले जो अगर जो दो इवन नंबर रहते हैं उनका एचसीएफ ऑलवेज 2 ये आता है। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें बुक में बताई गई है कि दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 2 आता है और 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 आता है, ये बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द एचसीएफ। ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 2 आता है। ओके, द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। एचसीएफ पता है 2, एलसीएम दिया है और हमें ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर निकालने हैं। तो उनका रिलेशन क्या है गिवन नंबर के साथ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, अभी एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 180। अभी हमें ये दोनों नंबर निकालने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 20 जा 0, 28 जा 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 आता है, तो 360। तो देखो 360 ये आंसर कौन सी दो नंबर का आता है, 36 10 जा अगर हमने लिया, 36 10 जा 360 आ रहा है, करेक्ट। उसके बाद में देखो 36 किस में है वो देखो, उसके बाद लगा दो 0। अभी देखो 18 2 जा 36 आता है। ओके, 36 आता है तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 360 हो जाएगी। उसके बाद में 36 किस में आता है देखो, 9 4 जा 36 आता है, करेक्ट। 360 किसका आता है, 9 4 जा 36। अभी 9 पे 0 लगा दो, नहीं तो 44 पे 0 लगा दो, 360 हो जाएंगे, करेक्ट। अभी 360 और भी है देखो, 4 9 जा मीन्स अभी हम इस 4 पे नहीं, हम इस 9 पे 0 लगा देते हैं, 490 जा 360 हो जाएंगे। ये जो हमने नंबर्स निकाले उसमें कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कौन से दिख रहे हैं, 18 20 जा 360, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, उनकी प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन 360 आ रही है। ऐसे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कौन से मिल गए, 18 and 20। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर 18 and 20। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।